हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रिविट आर्किटेक्चर बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज, ट्यूटोरियल नंबर 2। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे हम आर्किटेक्चर में लेवल्स को क्रिएट करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और किस किस तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल्स इंजीनियर्स फॉर सिविल पे अगर आप जाएंगे, देखिए सिविल इंजीनियर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, ऑटो कैड, रिविट, स्टैट प्रो, ई टैप, सैप, अबाकस, एनसीज, सभी चीज़ के आपको सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिविट आर्किटेक्चर 2016 मैंने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वीडियो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि रिविट आर्किटेक्चर होता क्या है और उसका हम इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था। तो ये आपका वेलकम स्क्रीन है जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी वर्किंग स्क्रीन है जहाँ पर आपको चार ऐसे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये हैं आपके, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। वाइट विंडो में जो आपको चार बबल्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा क्लियरली हम देख लेते हैं। ये जो चार बबल्स हैं ये हैं कैमरे, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट व्यू आया है ये है आपका टॉप व्यू, यानी कि प्लान व्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब टॉप से देखते हैं तो, और उसके चार और मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये बिल्डिंग का टॉप व्यू है, ऐसे टॉप में ये बिल्डिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक कैमरा है जो इसको यहाँ से देखेगा, ये कैमरा इसको यहाँ से देखेगा, और ये कैमरा यहाँ से, और ये यहाँ से, यानी कि ये नॉर्थ मान लीजिए, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो हम चारों व्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग का, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों तरफ से उसका कैसे दिखाई देगा। अगर हम नॉर्थ से देखते हैं, इन किसी डायरेक्शन से बिल्डिंग को देखते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एलिवेशन, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग को सामने से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से देखते हैं तो वो होता है एलिवेशन, और टॉप से देखते हैं तो वो होता है प्लान। तो इस विंडो के बारे में आप समझ गए ये क्या है। और यहाँ पे ये है आपका व्यू पैनल, जूम आउट, जूम इन, आप यहाँ से 3D में जाके देख सकते हैं, जो आपको ऑटो कैड में भी मिलेगा। लास्ट टाइम बताया था मैंने, ये था एप्लीकेशन मेन्यू, और ये आपका रिबन्स हैं, यहाँ पे टैब्स हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, अलग अलग टैब में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग टूल्स हैं, और ये क्विक मेनू बार बताया था जहाँ पे क्विकली हम कुछ टूल्स जैसे सेव करना, अंडो करना और 3D में जाना हम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको दिखेगा यहाँ पे बॉक्स, ये वो ये है, ये है प्रॉपर्टी बॉक्स। जो भी टूल आप यूज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखिए वॉल पे क्लिक करता हूँ तो वॉल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगी। वॉल किस टाइप की आपको बनानी है, उसकी क्या डायमेंशंस रखनी है, क्या प्रॉपर्टी रखनी है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। और ये देख रखें आप, यहाँ पे है प्रोजेक्ट ब्राउज़र, जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो सब यहाँ पे ऐड होता रहेगा, व्यू होता रहेगा। जैसे कि आपके यहाँ पे दो लेवल्स आपके फ्लोर के हैं, दो सीलिंग प्लान के हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये आपको यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेवल्स बनाना। तो लेवल्स बनाने के लिए हमें लेवल्स व्यू पे जाना होगा। तो ये कौन सा व्यू है आपका, दोबारा से बता दूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है ये होता है आपका प्लान, ठीक है। अब हम एलिवेशन पे जा रहे हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किसी एक पे चले जाते हैं, नॉर्थ पे चले जाते हैं। जब मैंने नॉर्थ पे डबल क्लिक किया, नॉर्थ पे यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइंस दिखाई दे रही है, जिस पे एक पे लिखा हुआ है लेवल 1 और दूसरे पे लिखा हुआ है लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2, सबसे पहले लेवल्स होते क्या हैं। आपको एक बिल्डिंग है ये सामने से दिखाई दे रही है, आप सामने से देख रहे हो, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये टेरेस, ठीक है। तो लेवल्स ये होते हैं, हाइट्स, हाइट कह सकते हो आप, डिफरेंट
फ्लोर पे डिफरेंट हाइट्स को ही हम लेवल्स बोलते हैं। तो ये लेवल्स हो गए ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल सॉरी, ठीक है। ज़ीरो पे ज़ीरोस की हाइट है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर है ये। ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें डैश डैश इसको दिखाने के लिए ग्राउंड फ्लोर को और ऐसी तरह फर्स्ट फ्लोर को, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे लेवल्स। जब भी आप कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आप रिवेट आर्किटेक्चर में बना रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा ना किस हाइट का है वो और कितने लेवल्स हैं उसमें। तो सबसे पहले तो आप लेवल्स डिसाइड करोगे, तो वही लेवल्स ही हैं। अगर हम 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये लेवल्स उसी हिसाब से हमें उसी हाइट के अकॉर्डिंग डिफाइन करने होंगे, ठीक है। ओके, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं। सबसे पहला है आपका लेवल वन, उसके हाइट क्या है, 0 ग्राउंड पे है। और ये क्या है सर्कुलर, ये है आपकी लेवल की आईडी। हर लेवल की अपनी आईडी होती है, आईडी सिंबल है, ठीक है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ लेवल सस्मन में, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 01 GF ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप रिनेम करना चाहते हो, यस, ठीक है। और जो सेकंड लेवल है इसको मैं चेंज करता हूँ 02 F1, ठीक है, फ्लोर वन, यस, ये हो गया। आप देखिएगा यहाँ पर भी हमारा ये 01 ग्राउंड फ्लोर, 02 फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसको समझ लेते हैं, उसके बाद लेवल क्रिएट करना सीखते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है चेक मार्क टिक, अगर मैं इस पर चेक मार्क अनचेक कर देता हूँ तो ये आईडी और लेवल का टाइटल ये सब चला जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ये है आपकी हाइट, यहाँ पर मैंने अगर इसको 3000 कर दिया, अभी mm में यूनिट्स है उसकी भी बात करेंगे, एंटर किया तो हाइट देखो चेंज हो गई, यहाँ पे दिखा भी रहा है हाइट, ठीक है। ये टाइटल, ये हाइट, ये आईडी, ये चेक मार्क से चली जाती है, ठीक है। लॉक किस लिए इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये आपका एलिवेशन दिखा रहा है, यहाँ पर जो चेक मार्क है वो यहाँ पर भी दिखा रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पर भी ये चीज़ आ जाएगी। ये इसलिए दिया होता है, मान लीजिए आपका हाइट बहुत कम है और आईडी का साइज सिंबल ज़्यादा है और ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप एक फ्लोर की जो आईडी है, जो सर्कुलर सिंबल है, वो दूसरी जगह लगा दीजिए, इससे ईजिली देखने में आसानी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस लॉक की, देखिए यहाँ पे एक बबल और है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ बबल पे और होल्ड करके इसको मूव कराऊँ तो हम इस लाइन की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने छोटी कर दी, लेकिन नीचे वाली भी साथ में जा रही है। अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँ और अब इस बबल पे क्लिक करके इसको मूव कराऊँ तो केवल इसकी अपनी खुद की लेंथ डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ करेंगे। तो ये लॉक इसलिए होता है, लॉक का मतलब पूरी ग्रिड जो है आपका एक साथ चेंज होगी, ठीक है। तो अगर हम चेक मार्क करना चाहें तो यहाँ पर कर लेते हैं एक चेक मार्क, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अब यूनिट की बात करते हैं, तो आप जाओगे यहाँ पे मैनेज, और मैनेज में जाओगे आप प्रोजेक्ट लोकेशन सेटिंग, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पैरामीटर और प्रोजेक्ट यूनिट। तो मैनेज में जाकर आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं यूनिट्स की। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट यूनिट्स, यहाँ से भी जा सकते हो आप, देखिए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, स्लोप, करेंसी और मास डेंसिटी, इन सबको चेंज कर सकते हो। बट आप यहाँ पर ना जाके कमांड याद रखिए, जैसे कि UN, इसमें ऑटो कैड की तरह कमांड टाइप करने के बाद एंटर नहीं करना होता, केवल कमांड टाइप करोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर लेंथ देखिए मिलीमीटर में है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको करनी है, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं लेवल्स, कि लेवल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आप जब आर्किटेक्चर व्यू पर थे आप और ये लेवल्स आप देख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लेवल्स का सिंबल बना हुआ है डबल L। देखिए जब माउस का कर्सर जिस भी आइकन पर हम ले जाएंगे तो उसका शॉर्टकट और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो अगर हम देखें इसमें लिखा हुआ है LL, तो LL प्रेस करेंगे हम तो अभी इसकी आज ये एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने LL प्रेस किया तो ये विंडो आ गई। हर एक टूल का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एक मॉडिफाई प्लेस लेवल होता है जहाँ पे उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन दिखाई दे रही हैं आपको,
फर्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट लाइन पे हमने क्लिक किया और जब हम माउस को इसके लाइन के ऊपर ले आ रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो डायमेंशंस हाइट लिखी आ रही है, जिस हाइट पे भी हमें बनाना है वहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। 3000 पे क्लिक कर दिया और फिर माउस को हॉरिजेंटली किया और यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जहाँ पे दिखाई दे रही है वहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए ये बन चुका है हमें लेवल फ्लोर 2। ठीक है, स्कैप बटन से आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। अब इस पर क्लिक करके इस बबल से आप इसको मूव करा सकते हो, फिर इमेजिनरी लाइन पर जाके छोड़ दो, या आप ये कर सकते हो। तो दोबारा से हम एल एल प्रेस करते हैं और हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे बनाना, जिससे हमें दोबारा ड्रैग ना करना पड़े। 3000, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लेवल ग्राउंड फ्लोर, इसका भी हम ऐसा करते हैं, चेक मार्क इधर भी लगा लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब दोबारा से एल एल प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक और लाइन दी हुई है ग्रीन कलर की, पिक लाइन, और यहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ है, ऑफसेट डाल देते हैं हम 3.5 मीटर, एंटर। अब क्या होगा, जिस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा उसके ऊपर ऑटोमेटिक ही उतनी हाइट पे लेवल बनते जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं हम। ठीक है, दोबारा से इसको लेते हैं 3.5, अब प्यार से क्लिक करते हैं ऊपर, लेवल 5, लेवल 6। ठीक है, आपको कर्सर को थोड़ा इस लाइन से ऊपर ही रखना है जिससे हमारा ऊपर बने, ये देखिए इस तरह से। स्कैप बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास लेवल 7 आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखे होंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी लेवल्स 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं। इसका टिक को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे डबल लाइन बन चुकी है, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, चेक मार्क हटा देते हैं। ठीक है, आपको स्कैप बटन 3-4 बार प्रेस कर देना है। कभी कभी क्या होता है, कमांड कैंसिल नहीं होता, जैसे कि अभी भी मैंने कमांड कैंसिल नहीं हुआ था और मैं यहाँ पे चेक मार्क अनचेक करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ग्रिड लाइन बन चुकी है। तो ये है हमारे लेवल्स। ठीक है, अगर किसी एक लेवल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे एडिट कर सकते हो। लेवल का कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और हम इसको टाइप को कर देते हैं डैश डैश के अलावा कंटिन्यूस सॉलिड। ठीक है, और इसकी जो वेट है, थिकनेस है, उसको भी हम बढ़ा देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से लाइन हो चुकी है, सारे के सारी लेवल लाइन चेंज हो चुकी है। अब क्वेश्चन आ रहा जाता है, क्या हम कब कोई एक लाइन को चेंज कर सकते हैं, केवल एक लाइन की प्रॉपर्टीज़ को? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम एक एडिट करते हैं, एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं लेवल D, यानी डुप्लीकेट। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसको अभी ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, लेवल हम ले लेते हैं लेवल D, और अब एक लेवल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर दिया। इस लेवल की प्रॉपर्टी क्या है, लेवल D। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं किसको, इसका टाइटल ये नहीं है, हमें करना है यहाँ मॉडिफाई, और यहाँ पे है रेड, इसको कर देते हैं हम ब्लू। ओके ओके, सारी ब्लू हो चुकी हैं क्योंकि हमारी जो हमने जो लेवल लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे क्लिक करना था हमें, उसके बाद यहाँ पे चेंज करना था लेवल लाइन को। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं लेवल लाइन, आई थिंक वो सेव नहीं हुई थी, हम दोबारा एडिट करते हैं और एक डुप्लीकेट बनाते हैं, इसका नाम डालते हैं के। ओके एंड ओके। ठीक, अब यहाँ पे के है, अब हम इसको के को बनाते हैं इस डिस्टेंस पे, और अब इसको हम इंक्रीज करते हैं लेंथ। ठीक है, अब इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे के सेलेक्ट है और इसका कलर चेंज करते हैं हम रेड। तो देखिए अब हमारी ये रेड हो चुकी है। ठीक है, हमने एक सबसे पहले वो ग्रिड पे क्लिक करना है लेवल पे। अब यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, मैंने पहले ही डुप्लीकेट बना दिया था,
तो उस वजह से, तो इस तरह से हम लेवल को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट कलर में और डिफरेंट लेवल नेम में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ये सेकंड वीडियो है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि 2 से 3 डेज में आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी एडवांस तक, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी एक वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड डाटा ले सकते हैं, engineersforcivil.com। यहाँ पे देखिए मेन्यू बार में ट्यूटोरियल्स है, स्टडी है, ड्राइंग्स है, मोटिवेशन वीडियो है, रिसर्च है, कंक्रीट बुक्स, NPTEL कोर्स, यहाँ पे इन सभी में आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा।